सो यो व्हाट्सअप बड्डी, माय नेम इज गौरव गुप्ता एंड यू वाचिंग गेमिंग बाज़। सो भाई क्या हाल चाल है यार, मुझे उम्मीद है गाइस आप लोग अच्छे होंगे। सो बेसिकली गाइस आज का ये वीडियो मेरा काफ़ी कमाल धमाल एंड स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना पबजी मोबाइल लाइट में विनर पास सीजन 17 को कैसे परचेज करना है, बोले तो कैसे अनलॉक कर लेना है। तो मैं आज आपको दो ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप VC अपने पबजी मोबाइल लाइट के अकाउंट में परचेज कर सकते हो और फिर जाके आप अपनी विनर पास को अनलॉक कर सकते हो। जी हां गाइस, दो ऐसे वर्किंग मेथड जो बैन होने के बाद भी आप इंडिया में बीसी परचेज कर सकते हो, एक तो midasbuy से और एक मैं अनऑफिशियल वे बताऊंगा, लेकिन दोनों 100% वर्किंग है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको गेमिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहे। और साथ में गाइस आप लोग #10K फॉर गेमिंग बाज भूले तो नहीं ना, क्योंकि गाइस अगर आपने 10th ऑफक पहले हमारे 10,000 फैमिली कंप्लीट करा देते हो, मीन्स यूट्यूब फैमिली, तो मैं अपना फेस रिवील आपके सामने कर दूंगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस आपके लिए दो और एक्स्ट्रा सरप्राइज रहेगी, वो आपको बाद में पता चलेगी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। साथ में वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बीसी परचेज करके विनर पास ले सकें। साथ में गाइस इंस्टाग्राम की यूजर आईडी स्क्रीन पर शो करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए एंड वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। सो गाइस आगे बढ़ते हम लोग वीडियो के टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसका मैं ऑलरेडी दो पार्ट बना रखा हूँ, कैसे आपको बीसी परचेज करना है बैन होने के बाद इंडिया में, तो वो दोनों की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए एंड वो भी वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आपको तो पता ही होगा कि midasbuy टोटली बंद कर दिया गया, मींस midasbuy वर्क नहीं कर रहा है इंडिया का, वहाँ से मैप हटा लिया गया। लेकिन मैं आपको midasbuy से भी करके बताऊंगा, आप उसके लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा आपको। और साथ में गाइस आपको INGAME भी जाके परचेज नहीं कर पा रहे होगे, लिख रहा होगा दिस नाइट आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, ऐसा कुछ एरर आ रहा होगा। आगे जाने से पहले गाइस मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं और बता दूं कि अगर आपके पास विनर पास सीजन 17 लेने भर का बीसी है, मीन्स 280 बीसी अगर आपके अकाउंट में, तो बिल्कुल भी आप बीसी मत परचेज करिए, क्योंकि क्या पता कल को सर्वर बंद हो जाए, क्योंकि बैन तो ऑलरेडी हो रखा है, आप सर्वर भी बंद हो सकता है। और मेरा तो बिल्कुल ये कहना कि आप लोग विनर पास बिल्कुल मैक्स के फेयर में चक्कर में मत पड़िए, आप 280 वाला ले लीजिएगा, वही ज़्यादा है, ना ही 800 बीसी वाला आप वेस्ट कीजिएगा लेके, मेरे तरफ से तो यही सजेशन है। और प्लस एक चीज़ और मैं बताऊँगा, अगर आप विनर पास के लिए बीसी लेने जा रहे हो तो वेट कर लो, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज बोनस आपको आता है, आपको पता ही होगा गेम के अंदर, जिसमें आप कुछ बीसी परचेज करते हो तो उसके बदले में आपको आउटफिट एंड गन स्किन दिया जाता है, तो फ्री में मिल जाएगा, 1 अक्टूबर को ले लेना। आखिर विनर पास भी तो उसी दिन आएगा, उसी दिन जरूरत पड़ेगी बीसी की, तो थोड़ा और वेट कर लेना, वीडियो आज देख लो। और मेरे तरफ से बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है कि आप बीसी परचेज करो, बैन हुआ है, कुछ सोच समझ के होगा इंडिया की तरफ से, तो बाकी आपकी मर्जी, अगर करना चाहते हो तो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं midasbuy वाला आपको वे बता देता हूँ, हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, लेकिन आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा चेकआउट करना होगा, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा midasbuy से परचेज करने का, उस लिंक पर आप जाओगे तो सिंपली कुछ एड्स आएंगे, एड्स को आप हल्का सा स्क्रॉल डाउन, मीन्स ज़्यादा नीचे जाओगे सबसे नीचे, तो वहाँ पर आपको एक टाइमर चलता हुआ दिखेगा 10 सेकेंड, तो वहाँ पर आप वेट करोगे और 0 सेकेंड होने दोगे, मीन्स काउंट डाउन कंप्लीट होगा, तो फिर आप हल्का सा और स्क्रॉल डाउन करोगे एंड देन वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई पर्पल कलर का, उस पर आप क्लिक करोगे, देन आप हो सकता है दूसरे पेज पे पहुंच जाओ, तो आप एक बारी बैक करना एंड देन आप वहाँ पे हल्का सा और स्क्रॉल डाउन करोगे उस पेज में, तो आई एम नॉट अ रोबोट टाइप का कुछ कैप्चा फिल करने को बोलेगा, उसको आपको टिक लगा देना रहेगा सिंपली, उसके बाद फिर आप हो सकता है दूसरे पेज पे पहुंच जाओ, बैक आ जाना एंड नीचे हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे, कंटिन्यू नेक्स्ट लिखा होगा वो भी पर्पल कलर का, उस पर आप क्लिक करोगे, देन आप एक और पेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे फिर से हो सकता है 10 सेकंड आपको वेट करने को बोला जाए, और फिर आप हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो गेट लिंक लिखा होगा, उस गेट लिंक पे आप क्लिक करोगे, देन गाइस आप पहुंच जाओगे अपने वेबसाइट पे, जो कि है अपना जिस तरीके से आपको परचेज करना हो ऑफिशियल वेबसाइट midasbuy से। तो ज़रूर से ये स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, पर्पल पर्पल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू नेक्स्ट वगैरह, और कहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली आ जाओगे midasbuy में, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले तो अपना कंट्री आपका सेलेक्टेड रहेगा, तुर्की कर लेना अगर नहीं सेलेक्टेड होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैग बना होगा, फ्लैग पे जाके नीचे टी से देखना, तुर्की करके एक कंट्री होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेना रहेगा। उसके बाद आप अपनी कैरेक्टर आईडी तो निकालना जानते होगे, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है,
मेरे को उम्मीद है आप करेक्टर आईडी निकालोगे, सिंपली वहाँ पे डालोगे आपका नेम, कन्फर्मेशन के लिए आ जाएगा, नेम आप मैच कर लोगे और उसके बाद यहाँ पे गाइज आप तुर्की तो सेलेक्ट कर ही लिए होगे, तो मेरे को उम्मीद है पहले से कि आप तुर्की सेलेक्ट कर लिए होगे। देख सकते हो मैं अपने आपके स्क्रीन के सामने मैं लाइव तुर्की सेलेक्ट कर लिया। बहुत ही सिंपल है तुर्की सेलेक्ट करना, क्योंकि गाइज आपको पता है इंडिया का सर्वर अभी अवेलेबल ही नहीं और इंडिया में आप ले नहीं सकते, तो कैसे लोगे। तो यहाँ पर आपको रेजर गोल्ड करके एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, रेजर गोल्ड ही रहने देना है। जी गाइज रेजर गोल्ड ही रहने देना, क्योंकि हमारा काम रेजर गोल्ड से ही पेमेंट करना है और बहुत इजी पेमेंट मेथड है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, आप समझ जाओगे और धड़ाधड़ धड़ल्ले से ही बीसी ले लोगे। तो आगे आप देख सकते हो रेजर गोल्ड लिखा हुआ है, उसके बगल में पिन लिखा है, रेजर गोल्ड पिन, पिन वाले पे नहीं करना है, रेजर गोल्ड पे करना है। बीसी अमाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना कितना चाहिए, उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यू करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का दिखेगा एंड हल्का सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू आईडी क्रिएट कर लेनी है, जैसे नॉर्मल डिटेल नेम वगैरह ईमेल वगैरह पूछेगा आप डाल देंगे, वहाँ पे रेजर गोल्ड में आप आईडी बना लेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, फेसबुक टाइप से बनता है। उसके बाद आप कंटिन्यू नेक्स्ट फिर से करेंगे, देन यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर लिखेगा, सोना एंड चांदी। उसके बाद का स्टेप भी मैं आपको बता, अकाउंट बन जाने के बाद फिर से हल्का सा प्रोसेस लेगा, बैटल कॉइन लिखेगा, हल्का सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे लिखेगा सेटअप नाउ। जी हाँ, सेटअप नाउ पे आपको क्लिक कर देना रहेगा। उसके बाद का स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। सो सिंपली सेटअप नाउ पे करोगे तो आपको हो सकता है ईमेल पे आपके हो सकता है क्या है जाएगा ही जाएगा, एक ओटीपी टाइप का जाएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा ईमेल अपना चेक करके जीमेल, और उस ओटीपी को फिल करते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज शो करेगा जहाँ पे लिखा होगा रीलोड नाउ जगह रीलोड बोले तो अपनी बीसी डाल देना है, रिडीम कर लेना या फिर रिचार्ज कर लेना ऐसे समझो। तो वो बोलेगा तो आपको सिंपली यहाँ पे कई ऑप्शन शो कर जाएंगे, जैसे कि रेजर गोल्ड पिन, पेपल, पेटीएम, यूपीआई, अपना वीजा कार्ड, सारी ऑप्शन आपको शो कर जाएंगे, यूपीआई भी यहाँ तक की और पेटीएम भी। तो आप आराम से इससे पेमेंट कर देना पेटीएम को सेलेक्ट करके, बहुत ही सिंपल आपका हो चुका रहेगा पेमेंट, मेरे को उम्मीद है। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स था। अभी गाइज हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरी ट्रिक्स की तरह। उससे पहले ये मैं बता दूँ, जो अभी मीडास भाई वाला मैं ट्रिक्स बताया आपको, वो तो बहुत ही सिंपल और विद इन अ सेकेंड आपके अकाउंट में बीसी भेज दिया जाएगा। सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसका स्टेप, लेकिन हाँ आपको बीसी तुरंत मिलेगा और ट्रस्टेड है, क्योंकि मीडास भाई ये बेशक आप कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो दूसरी, लेकिन है तो वो मीडास भाई की ही, मतलब समझ रहे हो ना, आप बेशक इंडिया से नहीं करके तुर्की सेलेक्ट करके कर रहे हो, लेकिन वो जाएगा तुरंत आपके अकाउंट में। और जो मैं दूसरी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, इसमें आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मीन 3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी 6 घंटे में आ जाती है, लेकिन आती जरूर है इसमें भी, ये भी 100% वर्किंग है, तो आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको लेट से चाहिए। लेकिन अगर स्टेप सिंपल चाहिए, मींस तुरंत हो जाए आपसे ज्यादा ये सब तुर्की वगैरह के झंझट न रहे, रेजर गोल्ड वगैरह की डायरेक्ट पेटीएम डाल के, तो ये वाला स्टेप आपके लिए बना है। लेकिन आपको इसमें पेशेंस करके वेट करना होगा टाइम का, कुछ टाइम का। सो गाइज उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा चेकआउट करना होगा और वहां पे मैं लिखा रहूंगा अनदर वेबसाइट फॉर बीसी परचेज, ऐसा कुछ लिखा रहूंगा मैं, उस पर आपको क्लिक करोगे फिर से वही एड वगैरह आएगा, आपको एड को स्किप कर लेना, कैसे करना है आपको पता है, पर्पल कलर पर क्लिक करके कैप्चा वगैरह फिल करके, एंड देन आप पहुंच जाओगे कुछ इस प्रकार के वेबसाइट पे, और जहां पे आपको सीजम करके कुछ लिखा होगा वेबसाइट का नेम, और यहां पे पबजी मोबाइल लाइट बैटल कॉइन लिखा होगा। यहां पे सबसे पहले तो आपको अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना, जी गाइस कंट्री को आप अपने इंडिया कर लीजिएगा, इससे आपको आपका मनी वगैरह जो बीसी का चार्जेस वगैरह वो हिंदी कह रहे हैं INR में दिखेंगे, मीन्स इंडियन रुपीज में, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अपना करेंसी भी आप INR मीन्स इंडियन रुपीस कर लीजिएगा, लैंग्वेज इंग्लिश कर लीजिएगा ताकि आपको इजी हो जाए। उसके बाद सेव सेटिंग्स आप करोगे, सिंपली आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको अपनी प्लान सेलेक्ट करना, लाइक ये भी सस्ती है, ये भी मीडास भाई जितनी सस्ती है, ये आप गेम से हल्का सा सस्ता बोल सकते हो और मीडास भाई से हल्का सा महंगा ये पड़ता है, तो आप इसको बीच वाला बोल सकते हो। तो इसको आप सिंपली यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर लेना, जैसे 60+30 90 बीसी मिलते हैं 73 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली में, आप समझ सकते हो 3 रुपये चार्ज जोड़ता 70 रुपये पे, मतलब 150 पे 6-7 रुपये ये चार्ज लेंगे टैक्सेज आपसे, तो वो भी मैनेज हो जाएगा क्योंकि आपको मीडास भाई जितनी सस्ती बीसी यहाँ से मिलती है। तो मैं 73 वाला सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसमें मेरे को 95 या 90 के समथिंग अराउंड बीसी मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी 1 रखनी है, और अपनी प्लेयर आईडी जहाँ पे बोल रहा है आपको प्लेयर आईडी डाल देनी है, जो 70 एंड गाइस वो आप ध्यान से डालिएगा, प्लेयर आईडी आपका हल्का सा मिसमैच होगा दूसरे अकाउंट में बीसी चला जाएगा। उसके नीचे बाय नाउ पे लिखा है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ से सिंपली आपको साइन अप कर लेना रहेगा, या फिर आप फेसबुक या फिर ट्विटर डाल के कर सकते हो, या इनका खुद का आप अकाउंट बना सकते हो सीजम करके, तो आप अकाउंट बना लीजिएगा एंड सिंपली वहाँ से पेटीएम यूपीआई वगैरह से आपको
पेमेंट बोलेगा, आप चूज करके कोई भी पेमेंट कर दीजिएगा। और सक्सेसफुल होने के बाद आपको 2 घंटे से 6 घंटे तक वेट करना होगा, फिर जाके ये वेबसाइट देता है, क्योंकि ये वो ऑफिशियल नहीं है और इसका कोई भरोसा भी नहीं है कि अभी तो चल रहा, अभी अच्छे से वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं दे रहा, लेकिन फ्यूचर का मेरे को पता नहीं। और यही सजेस्टेबल है कि आप बिल्कुल भी परचेज मत करें, क्योंकि अगर आपके पास WP लेने भर का है तब जाइए, क्या पता सर्वर कल को बंद हो जाए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। तो बस गाइज, यही 2 ट्रिक्स मेरे को बताने थे आपको BC परचेज करने के, जो 100% वर्किंग है। तो मुझे उम्मीद है आपने BC परचेज कर लिया, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको गेमिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहे। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी स्क्रीन पर शो करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।